भोजपुरी स्टार प्रदीप पांडे चिंटू का पिछला साल कुछ खास नहीं रहा। उनकी आई सभी फिल्में कुछ अच्छा खासा बिजनेस नहीं कर पाई भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर। और अब इस साल क्या खास करने वाली है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रदीप पांडे चिंटू की होली पर एक फिल्म रिलीज हो रही है, नाम है नायक। उस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी साउथ की एक्ट्रेस पावनी। और इसी दिन यानी कि होली के मौके पर ही दिनेश लाल यादव निरहुआ की शेरे हिंदुस्तान और पवन सिंह की क्रैक फाइटर भी रिलीज हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि जहां दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह की फैन फॉलोइंग है, वहां प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म उतना बिजनेस कर पाएगी जितना कि लगता है कि एक फिल्म को हिट होने के लिए जरूरी है। वैसे भी पिछले साल प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्में कम चली, लेकिन उनकी और खेसारी की कंट्रोवर्सी काफी चली और इस साल इनकी कई फिल्में आएंगी। लेकिन प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म नायक के मेकर से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी फिल्म नायक होली के मौके पर रिलीज ही कर रहे हैं, तो फिर आप ये सोच लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री की दो दिग्गज अभिनेताओं के साथ आपके फिल्म की टक्कर होगी, एक पवन सिंह और दूसरे दिनेश लाल यादव निरहुआ। पवन सिंह के फैन फॉलोइंग से तो आप सभी अच्छे खासे अवगत होंगे, लेकिन जहां बात दिनेश लाल यादव निरहुआ की हो रही है तो उनके भी फैन फॉलोइंग कुछ कम नहीं है। अब ऐसे में अगर फिल्म नायक रिलीज होती है तो वो कितना अच्छा बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर क्रिएट कर पाएगी, ये देखने लायक होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।